हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर में सेफ होंगे। और कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मेरा 4-5 दिन हो गए, मेरा ना व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों, अंदर से इच्छा ही नहीं कर रही है। एक तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेरी देवरानी है वो एक्सपायर हो गई हैं, गांव में रहती हैं जो। और हमारे अभी गली में एक अंकल जी हो गए, तो पता है क्या, ये सब चीज़ें देखती हूँ ना तो मुझे वही सारी चीज़ें याद आने लगती हैं और मेरा माइंड ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। और जो ये मंथ है ना मेरे लिए, ये वाला जो मंथ है, एक तरीके से मेरे लिए खुशियाँ लाया था और वो खुशियाँ ले भी गया। तो इस मंथ में ना मैं अपने आप ही ना पता नहीं क्यों एकदम से सैड सी हो जाती हूँ, अपने आप ही पता नहीं क्यों। मतलब मेरा मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन सा आ जाता है मुझ में, बच्चों पे भी चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। पता नहीं क्यों, मैं अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी नहीं संभाल पाती हूँ। इसी मंथ में मेरी शादी हुई थी और इसी मंथ में मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला था। क्या कहूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। मैं समझ सकती हूँ कि मेरे साथ ही नहीं, अकेले दूसरों के साथ भी ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हो रखा है। लेकिन कहते हैं ना कि इस चीज़ को जितना भुलाने की कोशिश करो उतना ही बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है मैं इसको कैसे भुलाऊँ, कैसे अपने माइंड से निकालूँ, किस तरीके से अपने माइंड से निकालूं जो मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाए। मतलब ऐसा लगता है यहाँ पे ना एक कील गड़ी हुई है जो कि चुभ रही है मेरे। आज वो होते तो अपना दुख सुख सब उनके साथ शेयर करती, अकेले अकेले घुटती रहती हूँ। कभी कभी ये लगता है कि लास्ट टाइम पे जब उनको करंट लगा होगा तब उन्होंने क्या सोचा होगा कि मैं अपनी बीवी बच्चे माँ बाप सबको छोड़ के जा रहा हूँ, पता नहीं मैं 1 सेकंड उनसे बात कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि हम सोच सकते हैं कि अगर हम कभी हम थोड़े बहुत बीमार भी हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है पता नहीं हम ठीक होंगे या नहीं होंगे। आज वो होते तो अपने बच्चों को देखते कितने खुश होते, मुझे देखते कितने खुश होते। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब तो मुझ में इतनी अकल नहीं थी, लेकिन आज मैं इतनी सारी चीज़ों को संभालती हूँ तो शायद मुझे देखते बहुत खुश होते, बहुत खुश। और मैं कह रही हूँ चाहे करंट लगने के बाद लंगड़े लूले हो जाते लेकिन मेरे साथ रहते। उनके जाने के बाद बहुत लोगों की बहुत सारी बातें सुनी है मैंने, बहुत सारी जो ना दिल पे अभी तक मेरे चुभती हैं और वो लोग कहने से बाज भी नहीं आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं क्या मैंने किया था जिसका मुझे ये मिला। मैं हर किसी के दुख को समझती हूँ लेकिन फिर एक मन ये करता है कि मैं तो इंसान हूँ, खुद भगवान को भी इतने सारे दुख झेलने पड़े थे। तो ये सब चीज़ें सोच के मैं ना थोड़ा सा शांत हो जाती हूँ। सीता माँ को कितने सारे दुख से झेलने पड़े, तो मैं ये सब चीज़ें देख के ना शांत हो जाती हूँ कि मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, जब भगवान ने खुद दुख झेले हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। उनकी सारी बातें याद आती हैं क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है कि अगर उनमें चाहे जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए लेकिन एक दूसरे की केयर करना नहीं भूलते वो लोग, है ना, ऐसा होता है ना। पर मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती हूँ, अंदर अंदर घुटन होती है बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या करूँ जिससे मैं इस घुटन से बाहर निकल पाऊँ। बच्चों के साथ रह के बहुत खुश होने की कोशिश भी करती हूँ
लेकिन नहीं रह जाता। उन सब चीज़ों को ना, उन सब चीज़ों को इन 10-11 साल में मैंने बहुत बुलाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं, माइंड से निकलती है। क्या करूं, कौन ऐसा हो किसे अपना अपना सर रख के उसके कंधे पे बहुत 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 रो, मेरा दिल हल्का हो जाए। कोई मुझसे यूँ कहे कि चिंता मत कर, मैं हूँ ना, लेकिन मैं रो भी नहीं सकती खुल के किसी के सामने, अंदर ही अंदर रो लेती हूँ। बहुत घुटन महसूस होती है, बहुत ज़्यादा। इस घुटन से मैं समझ सकती हूँ कि मैं ही अकेली ऐसी नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका दुख मुझसे भी ज़्यादा होगा। लेकिन सच में ये दुख बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ना हम किसी से शेयर कर सकते हैं, ना किसी के सामने रो सकते हैं। अगर हम रोएंगे तो दिखावा कर रही है, हंसेंगे तो कोई दुख नहीं है, तो हमारी तो लाइफ वैसे ही ख़त्म हो जाती है। अगर हम किसी के सामने ज़्यादा हंस रहे हैं तो इसको दुख नहीं है, और अगर हम किसी के सामने ज़्यादा रो रहे हैं तो इसको कोई पति के जाने का गम नहीं है। लेकिन वो हमसे पूछो कि हमारे दिल पे क्या बीतती है। एक बच्चों की टेंशन, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई किस तरीके से होगी, क्या आगे शादी, बच्चों की क्या होगा क्या नहीं होगा। पता है, कोई भी हो एक लिमिट तक करता है, अनलिमिटेड कोई नहीं करता। अनलिमिटेड सिर्फ बिगर स्वार्थ के अपने माँ बाप करते हैं, उन्हें कोई स्वार्थ नहीं होता। लेकिन और रिश्ते होते हैं वो एक लिमिट तक करते हैं। माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो बिन स्वार्थ के करते हैं। एक दिन की बात याद है मुझे कि हम दोनों लेटे हुए थे, तो मैंने उनसे बोला था कि तुमसे पहले मैं जाऊंगी, बस भगवान मुझसे इतनी कृपा रखना कि मतलब तुमसे पहले मैं जाऊं। लेकिन भगवान ने मेरी इतनी भी नहीं सुनी। कभी भी ना ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसका औरत का आदमी चला जाए और औरत रह जाए, सच में, क्योंकि औरत की ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। आदमी एक बार को अकेला रह सकता है, लेकिन औरत की ज़िंदगी अगर वो अकेली रहना भी चाहे ना, तो उसकी ज़िंदगी लोग बद से बदतर बना देते हैं। जो किस्मत में लिखा के लाए हैं होगा तो वही। लेकिन सच में बहुत याद आती है, बहुत बहुत कमी महसूस होती है, बहुत। उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, जैसे कि माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता ना, वैसे ही हस्बैंड की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मेरी लाइफ में तो ना तो माँ बाप ही है जिससे मैं अपना दुख शेयर कर सकूँ, और ना ही हस्बैंड है जिससे मैं अपना दुख शेयर कर सकूँ। अंदर ही अंदर बहुत घुटन होती है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है किसी से जाके अपनी ये सारी बातें मैं कह दूँ जो मेरे अंदर भरी पड़ी हैं।